Welcome again. Good morning with Sabhi and 14 August celebration. 75वां 14 August. Yes, बहुत कुर्बानियों के बाद और हमारे आजाद मुमलकते पाकिस्तान में इस वक्त चप्पा चप्पे पर झंडे झंडियां चरागा और बड़े अच्छे पोपों बहुत जिसका जिस जैसे दिल कर रहा है वैसे एंजॉय कर रहा है और मेरी दुआ है कि ये वतन इसी तरह महकता रहे चमकता रहे खुश रहे आबाद रहे शाद रहे आबाद रहे यस एंड इस वक्त जिस तरह मैं स्पेशली एक हमने क्रिएट किया था कि 14 अगस्त पे स्पोर्ट्समैन को स्पेशली इनक्रेज किया जाएगा अप्रिशिएट किया जाएगा गुड मॉर्निंग विद सभी में तो आज एक और टीम मौजूद है रिप्रेजेंट ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल एंड नेशनल लेवल पर उन्होंने वन किया तो यहाँ पर एक वन बाय वन मैं मिलवाती हूँ टेनिस सॉफ्ट टेनिस पाकिस्तान नंबर वन आबाद सरवर अस्सलाम वालेकुम कैसे हो आप अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाए कैसे हैं आप ठीक हैं प्रोग्राम कर रहे हैं हम लोग तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं सेलिब्रेट 14 अगस्त एंड लॉट्स ऑफ अवार्ड एंड मेडल्स देख देख के बहुत खुश हो रही हूं बिल्कुल बिल्कुल हम भी इसी तरह खुश होते हैं जब हम मेडल्स लेके आते हैं पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं के लिए तो बड़ा अच्छा फील होता है हमें कि यार हम मेडल्स लेके आ रहे हैं आप बाकी आपके सामने ही हर चीज मेडल्स की हाय हाय यकीन करें मेरा दिल कर रहा है मेरे मॉर्निंग शो में डेली ये डिस्प्ले हो और वहां बैठे हुए जो स्टूडेंट्स हैं बच्चे हैं स्पोर्ट्समैन जो बनना चाहते हैं या बनना चाहती हैं वो सब आगे आए ऐसा है कि नहीं बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह है जाहिर है अगर आप स्पोर्ट्स आगे रखेंगे बच्चों के लिए यूथ के लिए तो जाहिर है इसमें हमारे पाकिस्तान को बड़ा बेनिफिट मिलेगा पाकिस्तान को मेडल्स मिलेंगे ये सारी चीजें ऐड हो जाएंगी इसके अंदर तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट हो जाएगा इंशाल्लाह अच्छा बात भी हमारे साथ मौजूद है मेरे इस हाथ पे बड़े प्यारे से मेरे भाई बैठे हुए इनका नाम है उसामा सईद और ये सॉफ्ट टेनिस के पाकिस्तान के नंबर थ्री पाकिस्तान नंबर थ्री प्रेजेंट करते हैं सॉफ्ट टेनिस में अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप ठीक हैं एंड कांग्रेचुलेशन थैंक यू सो मच एंड रिप्रेजेंट ऑफ पाकिस्तान जी बिल्कुल आज ने हम लोग काफ़ी टाइम से रिप्रेजेंट करना पाकिस्तान को साउथ कोरिया इंडोनेशिया एशियन गेम्स बहुत से खेले हैं और इंटरनेशनल ट्रॉफीज हैं अचीवमेंट्स हैं हमारे पास सिंध में भी खेलते हैं पाकिस्तान में भी खेलते हैं लेकिन थोड़ा बहुत टफ है यहाँ पर लेकिन बाहर जाके बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है कॉम्पिटिशन प्रैक्टिस की काफ़ी ज़रूरत है यहाँ पे हमें कोचेस की ज़रूरत है कोर्स की ज़रूरत है और काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट होता है बाहर जाके हमें प्राउड जी बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्राउड होता है हमें पाकिस्तान के लिए खेलते हैं जीत कर आते हैं बहुत मज़ा आता है हमें ज़बरदस्त इनको मज़ा भी आता है इनको प्राइड भी महसूस होता है और ये फ़ख्र जो है ना ये हमारे मुल्क की वजह से इस पाकिस्तान की वजह से है ये है तो हम हैं और अल्लाह पाक से दुआ है कि ये झंडा हमेशा बुलंद ही रखें और इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ़ रखते हैं और ये हैं सईद अहमद सॉफ्ट टेनिस साद अहमद सॉफ्ट टेनिस पाकिस्तान नंबर फोर अस्सलाम वालेकुम साद कैसे हो फर्स्ट क्लास गेम्स में आए विन किया पाकिस्तान का झंडा जब सामने नजर आता है यू ही फील वेरी प्राउड ऐसा है कि नहीं अच्छा लगा आपसे भी बात जारी हो हमारे साथ एक माशाल्लाह ये टीम है मैं चलती हूँ इबाद के पास इबाद टैलेंट पाकिस्तान का बहुत है बिल्कुल टैलेंट तो पाकिस्तान का बहुत है जाहिर है हर फील्ड में आप जाएं टैलेंट तो टैलेंट की कोई मतलब ये नहीं कह सकते कि कोई टैलेंट है ही नहीं बिल्कुल भी पाकिस्तान में हर कंट्री में हर मतलब हर उसमें टैलेंट ज़रूर है जाहिर है आप उसको अवेल करें बच्चों को अवेल करवाना चाहिए कि यार स्कूल में टेनिस स्टार्ट कर दें स्कूल में हम स्विमिंग स्टार्ट कर दें मतलब स्कूल लेवल से ही अगर हम स्टार्ट करें तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है कि पाकिस्तान को हम आगे तक ले जा सकते हैं इसके अंदर गुड आपने एक जब स्कूल गोइंग थे सिलेक्शन कहाँ से की या आपने खुद सेलेक्ट किया कि किसी ने सेलेक्ट किया जैसे स्कूल्स में टीम बनती है ना जी फुटबॉल्स की डिफरेंट तो आपने टेनिस को रिप्रेजेंट किया तो ये इनिशियली इब्तिदा कहाँ से हुई
देखिए मेरे फादर भी टेनिस में खेलते रहे हैं काफी टाइम से ना, बहुत टाइम से, तो हमारी फैमिली बैकग्राउंड जो है बेसिकली वो टेनिस के है। अच्छा। तो इसी तरह स्टार्टिंग से जब मैं स्कूल गोइंग था तो वहाँ मैंने स्टार्टिंग से मैंने देखा कि यार मेरा रुझान जो है वो ज़्यादातर टेनिस में है, तो मैं बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करता था, इसलिए मुझे सारा प्लान मेरा हो गया कि मेरा फोकस जो हो गया वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना भी हो गया और मैं टेनिस को पाकिस्तान के लिए आगे तक लेके जाना चाहता हूँ। क्या बात है, बेस्ट विशेस फॉर यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू बिहाफ ऑफ गुड मॉर्निंग विद सभी। अच्छा जी उसामा सईद, ये बताएं जिस तरह आपने कहा कि बड़ा अच्छा लगता है दूसरे मुल्क में जाकर रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ के लोग ऑफकोर्स आपसे इंटरेक्शन करते होंगे, जबानें कुछ लोगों की आती है कुछ लोगों की नहीं, जैसे चाइनीज हमको समझ में नहीं आती है, वो भी बोलते रहते हैं, हम अपनी बोलते हैं वो अपनी बोलते हैं, ऐसा है किसी को समझ नहीं आती दूसरी की। बट उनके लिए ये होता है कि हमारे एक ट्रांसलेटर होता है, जैसे कि इंटरप्रेटर, हम इसको कहते हैं, तो वो उनसे हम गाइड करना टॉक करना उनसे बहुत ईजी हो जाता है, कोई इतना इशू नहीं होता। अच्छा बात एक ऐसे ही आप लोग जो भी जवाब दे रहे थे, जब जाहिर सी बात है आपने विन कर लिया, एक सामने वाली टीम है जिसके साथ अगर शायद आप लोगों ने एक जगह शेयर की हो, एक ही होटल स्टे हो, लाइक फिर वो आपको अप्रिशिएट करने या आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करने आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, असल में इंडिया और पाकिस्तान हम लोगों को तो ऐसा रहता है जैसे कि हम लोगों का रूम्स भी आमने सामने होते हैं, मतलब लाइक अ बॉर्डर लाइन ना, तो इस तरह ही है, लेकिन वहाँ के लोग भी बड़े अच्छे प्यार करते हैं बहुत, मतलब मेरे फ्रेंड्स जो हैं ज्यादातर, जो अभी नेक्स्ट मंथ मैं कोरिया जा रहा हूँ तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं उन्हीं दोस्तों को देखूँ कि जो इंडिया से आएंगे और उन्हीं से मिलने का मौका मिल जाता है इस चीज़ में, और मैं रिप्रेजेंट जाहिर है पाकिस्तान को कर रहा होता हूँ तो बहुत प्राउड मूवमेंट होती है उस वक्त, उनसे मिलना भी बड़ा मजा आता है, और हम जब खेल रहे होते हैं और जब सामने सामने होते हैं तो फिर आपको पता है कि कितनी प्राउड मूवमेंट होता है उस वक्त। बड़ी बात, और वो अप्रिशिएट भी करते हैं, बिल्कुल हम भी अप्रिशिएट करते हैं वो भी अप्रिशिएट करते हैं, तो हम दोनों को साथ लेके चलना होता है हर चीज़। बड़ी बात है, बड़ी बात, बहुत अच्छी बात है कि हम लोग एक दूसरे को इनकरेज करते हैं, कॉम्पिटिशन अपनी जगह, जब हम ग्राउंड में आते हैं तो बॉक्सर भी किसी को नहीं छोड़ता, ऐसा कि नहीं, बिल्कुल, वो कहता है एक पंच से अभी दूसरा पंच हमारी बारी, तो ये गेम तो गेम है और गेम को गेम की हद तक ही रखना चाहिए, और उसमें विन करना या चैंपियन बनना वो उस राउंड में होना चाहिए, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें उसी नेचर में आ जाना चाहिए। दैट्स गुड, दिस इज स्प्रेड। अम्मी ने सपोर्ट किया, अबू ने सपोर्ट किया, अम्मी ने, अम्मी ने बोला, अम्मी ने उन्होंने कहा आप ये कर। अच्छा आपको खुद शौक किस चीज का था? नहीं, मुझे मालूम कुछ हुआ है, आप मुझे भी इन्होंने बताया कि आपको कुछ और खेलने का शौक था, आपको शायद अफरीदी बनने का शौक था। अच्छा, आपके वालिद पायलट हैं, माशाल्लाह। ओ मैं पायलट आया, जहाज उड़ाने का, चले जाते ना, कितनी प्यारी प्यारी नर्स है आपको। सर प्लीज आप ये कह लीजिए सर, तो जहाज उड़ाना था ना? नहीं वो जहाज से एक्चुअली ये उड़ा रहा है अभी भी। अच्छा नहीं अभी नहीं उड़ा रहे, तो बाबा ने क्यों नहीं कहा कि आओ ना यार यहाँ पर जहाज बराबर में बैठो? आपने क्यों नहीं जहाज उड़ा, ये बताएं आप क्यों नहीं प्लेन? ठीक, कोई बात नहीं, आपका टैलेंट इन चीजों का मोहताज नहीं है, मेरी तरफ से बेस्ट विशेस फॉर यू, और हमेशा आप कामयाब रहो। अच्छा जी हमारे साथ ऑफकोर्स कोई मैसेज आप देना चाहोगे? बस ये है कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स बहुत कम है, स्पोर्ट्स लेवल पे कोई भी काम नहीं करता, सिर्फ क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, नेशनल गेम हॉकी है उसको भी कोई सपोर्ट नहीं करता, अब तो टेनिस को भी बहुत कम सपोर्ट करते हैं, और कोई भी टूर्नामेंट्स होते नहीं है, एक दो महीने में होगा नेशनल बनना, कुछ भी नहीं होता है, ना इंटरनेशनल के हमें स्पॉन्सर मिलते हैं ना कुछ मिलता है, खुद ही सेल्फ पे करना पड़ता है सब कुछ, हमें बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सब चीज़ें। तो ये आप चाहते हैं कि हमारे मुल्क में कम से कम ये तो बिल्कुल होना चाहिए, ज्यादा और हीरे नगीने प्रेजेंट होंगे। जी बिल्कुल, अपॉर्चुनिटीज हमें मिलेंगे ज्यादा, लेकिन यहाँ पे कोई फैसिलिटीज नहीं है यहाँ पे हमें। ओके, हम खुद से कर रहे हैं, बिल्कुल खुद से कर रहे हैं, हिम्मत नहीं हारने, नहीं है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हारे। क्या कहते हो बाद, आप मैसेज क्या देना चाहोगे आने वाले लोगों के लिए? देखिए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलें, स्पोर्ट्स से क्या है हमारा जो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और ये चीज़ें हैं ये इसको अवॉइड करें, जाहिर है बहुत सारे लोग जब मैंने देखा है कि देख रहे होते हैं पॉलिटिकल भी
जी बिल्कुल, मैं कोच भी हूँ, मैं एकेडमी अपनी चला रहा हूँ, रनिंग एकेडमी मेरी, कॉन्टिनेंटल टेनिस एकेडमी, तो वहाँ पे मैं कोच भी हूँ एज अ हेड कोच, और सारे मेरे अंडर काम कर रहे होते हैं कोचेस ना, तो ये है। और मैं फिर पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंट कर रहा होता हूँ, तो ये बहुत प्राउड मूवमेंट होता है मेरे लिए, तो तीनों चीजें मुझे साथ लेके चलनी होती है। ऐसे लोगों को सिलेक्शन आप करते हो या आपके पास जब एक टैलेंट आता है तो आपकी सोच क्या होती है, यार मैं इसके लिए क्या क्या कर लूं? देखिए पहले तो टैलेंट को जज करना होता है, कोच का काम है जज करना, ठीक है, उसकी प्लेइंग एबिलिटी क्या है, उसका बिहेवियर कैसा है लोगों के साथ, इंटरनेशनल एक्सपोजर जब वो कर रहा है तो उसको वो क्या मतलब वहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है वो, तो वो सारी चीजें देख के फिर हम तैयार करते हैं प्लेयर पाकिस्तान के लिए। तो बहुत प्राउड मोमेंट होता है उस वक्त, तो हम लोग कोई फील कर ही नहीं सकते कि यार उस वक्त हम अपने स्टूडेंट को इतना तैयार करके हम आगे भेज रहे हैं पाकिस्तान के लिए, तो बहुत अच्छा मजा आता है उसको करने में ना, एंजॉयमेंट रहता है। और मैसेज आपके लिए, आपके हमारे आने वाली यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगे? हिम्मत नहीं हारनी चाहिए उनको? हिम्मत तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, देखें स्पोर्ट्स पार्ट ऑफ एवरीथिंग, लूज विन एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, ठीक है, कोई मसला नहीं, हार जीत तो चलती रहती है, बट द थिंग इज दैट कि हम लोग बस आगे की तरफ देखते रहें, हार जीत कोई मसला नहीं, कोई मैटर नहीं करता। और जहां तक आज 14 अगस्त की बात है, तो फिर मैं तो जाहिर है मैं तो एक सॉन्ग करना चाह रहा था, लेकिन वो अभी नहीं करूंगा। सुना दे, नहीं 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 नहीं, 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 नहीं। ये बात, ये मुल्क से मोहब्बत का आपने वो खत्म करे, आपके अंदर है मोहब्बत, मैं सिंगर नहीं हूं, हम आपको साथ देंगे, और इसी पे हम ब्रेक लेंगे, उसके बाद आबाद जी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग विनुशु एंड यू एंड यू एंड थैंक यू, लेकिन सॉन्ग के ऊपर एंड करेंगे। यस, ए जज्बा जुनू तो हिम्मत न हारो, तू जो करे वो छुए आसमां, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में, पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है तुम्हारा। थैंक यू सो मच, क्या बात है, पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान तुम्हारा। यानी ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।